Seeing all first time doi durum yute, first time interaction gathering e. Okay, last 5-6 years me ho ngul kaneng e ngul ke youth ke ek moment aku angneng aldo. Ngul ke seje bule burakas dui busur atau ke ngulan dingpa mu dui ke presiden durum ke presiden permission melangkula ela di ngul ho angto e rito. Ala seje rineng nyedo in spite of mana nyodo burateng si solnyal ridong do aldo angulu ildare lok lok ala sa monite kana I yalong sting du madwe angul kala do seje guda alang dong do sul do nik jingri pa ko I mo dui tini din ko nyodo mo pai do ma habri pa oke angulu seje ildar se aram ni at tarikam burateng ge program so advantage na lae angul ka chi dokum de la angulu program ma pa ಈಗ ದುಯ್ ದುರುಮ್ ಗೆ ಇಲ್ದರ್ ಸೇ ಸೊ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಲಾನ್ ವೈಸ್ ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಮ್ಮ ಇನ್ವೈಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಪ್ಪ ಬಾರ್ವಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಪ್ಪ ಕಾಗೋಜ್ ಜಿಮಾ ಇ ಹೋಗ ಸೊ ಹಿಯ ತೆ ಪಾಬುವೆ ಸೊ ಇಟಾನಗರ್ ಗೆ ದುಯ್ ಮುಗ್ ಸೊ ಪಫಮ್ ಪರ್ ಆಕೆ ಆಯ್ ದೋಬ ಆರಾಮ್ ನಿ 10 ಬಜೆ ಸೊ ಹಾಕೊಮ್ ನಿ ಆಟೋ ಗುಮ್ತೋ ಸೊ ಆರಾಮ್ ದಿನ ದರ್ಕೆ ಅಭಿ ಹಮ್ನೋ ಕಾ 4 ತಾರೀಖ್ ಸೇ ಶುರು ಹುವಾ ತಾ 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೇ ಔರ್ ಅರೈವಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ 5th ಸೇ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಹೋಕೆ ಹಮಾರಾ ಫುಟ್ಸಲ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಔರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಿ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ತೊ आज भी सेमीफाइनल है वॉलीबॉल और फुटसल का और कल हमारा फाइनल होगा इसमें हमारा टीम्स फुटबॉल में हमारा 39 टीम्स है और वॉलीबॉल मेंस एंड गर्ल्स मिला के भी 35 राउंड है नहीं ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हमें पता था कि हमारा जो भाई भैया है वो तो 31 है तो ज़्यादा है लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब इतना दिल खुश होकर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और ये फर्स्ट टाइम है तो सबका पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है और जितने सारे सीनियर्स हैं उनका भी सबका रिव्यूज़ और पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है ये जो इसका मोटिव है बहुत सिंपल सा है एक्चुअली 2020 हमारे लॉकडाउन के समय पे ये एक हल्का से एक इंटरेक्शन प्रोग्राम या पिकनिक प्रोग्राम के तौर पे हमने सोचा था लेकिन ये इस 2 साल में ये प्रोग्रेस होते गया और ये कन्वेंशन के रूप में आ गया और जिसपे हमारा जो ये गैदरिंग होगा इसको फॉलो अप करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे जो यूथ विंग है ताकि वन अम्ब्रेला में हम आ जाए इसका मोटिव सिंपल सा है एक अवेयरनेस है क्योंकि हमारा जो 31 सब प्लान्स है बहुत सबको पता भी नहीं होगा कि कौन कौन भाई भैया यहाँ पे है और पता भी होने से कोई एक दूसरा को मिला भी नहीं होगा तो इस फर्स्ट जो हमारा ये दुरुंदुई यूथ कन्वेंशन में सब एक दूसरा को मिलके इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हमारा यहाँ पे कैंप भी है वेन्यू पे तो जो लोग स्टे करते हैं हम सब एक दूसरे साथ में बस खेल के ही ना जाए बल्कि सब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्शन हो बोल के सीनियर्स लोग ने तो सबने साथ दिया है और जितने भी यूथ थे सबने भी साथ दिया है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी बहुत हो गया है लेकिन एग्जैक्ट 4th से ही हमारे यहाँ पे वेन्यू पे बारिश के कारण थोड़ा सा कम रहा फिर भी वो बहुत ज़्यादा है पार्टिसिपेशन तो अभी कल हमारा जो मेन इवेंट है तो मैं जितने भी सीनियर्स है और यूथ और स्पेशली सीनियर्स जो है तो उनसे मैं अपील करूँगा कि कल 10 बजे आप लोग सब आ जाइएगा कल हमारा फाइनल्स भी होगा वॉलीबॉल टग ऑफ वॉर एंड फुटबॉल का भी फाइनल्स होगा और कल हमारा मेन कॉन्फ्रेंस और सीनियर्स का भी कल ही प्रोग्राम होगा जिसपे मीटिंग रखा जाएगा एक्चुअली आई बींग ए सीनियर ऑफ द सोसाइटी आई कंग्रेचुलेट बोराकास फॉर बींग ऑर्गेनाइजर सच ए वंडरफुल प्रोग्राम वेरी फ्रेंकली आई वाज नॉट एक्सपेक्ट दैट दिस गैदरिंग एंड दिस प्रोग्राम विल बी सो सच इम्प्रेसिव वे बट बाई विजिटिंग हेयर आई फाउंड इट वेरी सेटिस्फैक्टरीली एंड वेरी इम्प्रेसिव वन And I being a senior of the society and then being a elder of the Durumdui clan, I'd like to request all the elders to come up and by visiting here and also I am personally reviewing the every activities and by visiting I find everything is going fantastically though weather is not supporting but apart from weather's problem everything is okay here. By taking advantage of the your media platform I'd like to request all the juniors whoever participating Some are losing, some are winning, और जो जो जीत रहा है उसको congratulation और जो हार रहा है वो दिल चौथा नहीं होना है उसको just एक भाई भैया का interaction तौर पर लेना है उसको इतना serious नहीं लेना है कि हम हार गया ये हो गया नहीं जाना है उसके बाद में ये gathering को एक advantage लेके कल को आने वाला समय में हाँ ये था बोल के करेक्शन होके आना है इसलिए जो भी participants कर रहा है खेल डूल में भी हम यूथ लोग को भी एक रिक्वेस्ट करेगा कि इतना serious नहीं लेना है कि जहाँ में चोट लग जाए खेल को खेल का रूप में ही देखो उसको एक तो इंटरेक्शन का रूप में देखो उसी मेरे जितना पार्टिसिपेंट्स को वही मेरा एक तो रिक्वेस्ट है